जी, आज हम बात करेंगे ग्रीन शेड के अंदर लगाए हुए मटर की। हमने यहाँ पर मटर की अगेटिव फसल लगाई है और पहले यहाँ पर बेड बनाए, उसके ऊपर मल्च बिछाई गई है ताकि घास या अन्य खरपतवार के पौधे उगे नहीं। अभी तो क्या पौधे छोटे हैं और जैसे ही पौधे बड़े होंगे तो इसके अंदर जो रेशम की जो डोरियाँ लगाई गई हैं इनके द्वारा इनको पौधों को बांधेंगे ताकि सारे के सारा मिलकर ऊपर चढ़ सके। और इसमें इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर ये येलो स्टिकी ट्रैप लगा रहे हैं। जैसे इंसेक्ट इस पर आकर बैठेगा वह इसके चिपक जाएगा। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा तरीका इन्होंने ढूंढा है इंसेक्ट को कंट्रोल करने का। तो दवाई का उपयोग नहीं करना पड़ता है इससे ज़्यादा, ये इस तरह से मूवमेंट करता रहता है, घूमता रहता है। तो और भी अभी ये साथी लोग कुछ बताएंगे यहाँ पे मटर के क्या खेती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये मटर की अगेती के समय और ये इसलिए लगाई गई है कि एक तो अगेती फसल का रेट बाज़ार के अंदर ज़्यादा मिलता है और ग्रीन शेड के अंदर तो वैसे भी कंट्रोल कंडीशन के अंदर अपन लगाकर कीड़ों को इनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। पहले भी हमने यहाँ पर मटर लगाई थी, उसका प्रोडक्शन अच्छा था, इसलिए वापस से यही फसल लगाई। तो ये जो अभी साथी लोग हैं इन्होंने मटर लगाई है, तो ये इनका कहना है कि ये अगेती फसल लेते हैं हमेशा मटर की, क्योंकि मार्केट में जितना जल्दी मटर आती है तो उसकी रेट अपने को 80 रुपये से भी 80-90 रुपये तक ये प्राप्त करते हैं। और बाकी जो नॉर्मल किसान होता है वो एकदम सीज़न में लेके आता है जनवरी फरवरी में, तो उस टाइम में क्या है मटर के रेट डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो किसान भाइयों को उतना मुनाफा नहीं मिल पाता है। तो किसान भाई अगर खेती करते हैं तो थोड़ा अगेती फसल का करने का सोचें, क्योंकि उससे आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों।